नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी परबल प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस और सर्विस लांस की संयुक्त टीम द्वारा अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से मोबाइलों की धोखाधड़ी करने वाले ठग का पर्दाफाश करते हुए एक ठग को 23 स्मार्टफोन और एक लैपटॉप सहित किया गिरफ्तार। थाना सदर बाजार में 23 मोबाइल रिकवर किए गए हैं और एक लैपटॉप रिकवर किया गया है। अमेजोन कंपनी के द्वारा जो ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है उसके द्वारा डिलीवर करके मोबाइल सेट्स हैं। जो हमारी सर्विलेंस टीम के प्रभारी हैं मुबारक हुसैन और जैसे जो सदर बाजार हैं, इन्होंने मोहम्मद शमी नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और इसके पीछे इसका एक साथी आजम और उसकी पत्नी है जो मेल जनरेट करते थे और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मेल देते थे। सहारनपुर के एसडी इंटर कॉलेज में बागेश्वर सामाजिक संस्था द्वारा प्रकाशित ब्रह्मवाणी पत्रिका के 11वें अंक का भव्य विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज बहादुर सिंह चंदेला ने कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आज हम ब्रह्मवाणी पत्रिका के 11वें अंक का विमोचन भव्य रूप से कर रहे हैं, जिसमें मुख्य संरक्षक हमारे पंडित शिव कुमार शास्त्री जी हैं, संरक्षक सुखवीर सिंह कुंडी पूर्व विधायक देवन हैं। हमारी पत्रिका का एकमात्र लक्ष्य है सर्वे समाज में सामाजिक धार्मिक शैक्षिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए है और ये इसका निःशुल्क उत्थान। आज का जो ये आदरणीय श्री रजनीश चौहान जी का अभिनंदन समारोह है और हमारी जो ब्रह्मवाणी पत्रिका है उसका विमोचन भी है, जिसको हमारे प्रिय जो है मुकेश कपिल जी निरंतर लगभग 10-11 वर्षों से निरंतर निःशुल्क तैयार करते हैं, छपवाते हैं और निःशुल्क वितरण कराते हैं। सहारनपुर में संघ कार्यालय देहरादून चौक पर संस्कार भारती के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता कर कल 10 अप्रैल को शक्तिनगर पार्क निकट माधव नगर में शाम 6:30 बजे नृत्य गायन मार्शल आर्ट आदि रोमांचित कार्यक्रमों से भरपूर कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो 9 वर्ष के ऊपर संपूर्ण इकाइयों का नया गठन और इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम वातावरण में हमारी ये समाज को जोड़ने वाली मुख्य अतिथि हैं हमारे महानगर के महापौर श्री संजीव वालिया जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं श्री अनिल अग्रवाल। सहारनपुर में बड़तला आर्यदास जैन मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के शिखर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से आसपास के मकानों को भी भारी झटका पहुंचा है। वहीं आसपास के निवासियों में आकाशीय बिजली गिरने से दहशत का माहौल बना हुआ है। आकाशीय बिजली के बाद लगभग 7-8 के बीच बड़ी भयंकर जैसे झटका सा लगता है, आदमी को बड़ा भयंकर झटका सा लगा, आवाज आई और एकदम ऐसी बिजली जैसे चकाचौंध होती है, कोई बहुत बड़ा प्रकाश बीच में एकदम आसपास को मैंने देखा, मतलब वो इतना गहरा झटका था आकाशीय बिजली का कि आसपास के 200-300-400 मीटर की रेंज पे लोगों को ये तो पता है कोई झटका लगा है, आइडिया लग सकता है बिजली गिरी, कहाँ गिरी नहीं पता। देख रही है क्राइम स्टोरी।